यूपी ट्रिपल एसी पेट के लिए स्पेशल ये क्लास है जिसमें टेबल और ग्राफ पर हम लोग आज पार्ट थ्री में बार डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन यानी फर्स्ट कंडीशन और दूसरी कंडीशन ये वर्टिकल है, वर्टिकल बार डायग्राम है और ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है, तो दोनों पर बेस्ड आज क्वेश्चन करेंगे। और कल के वीडियो में हम लोग जिस तरह के क्वेश्चन करेंगे उसमें जो बार डायग्राम होंगे वो इस टाइप के होंगे, इस टाइप के डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे। और कुछ क्वेश्चन हम लोग जो अंतः विभक्त वाला बार डायग्राम पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो वाले क्वेश्चन भी हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। आपकी स्क्रीन पर जिस क्वेश्चन की बात की जानी है वो दिख रहा होगा और इसमें इसके निर्देश दिए गए हैं कि निम्न आलेख में एक कंपनी के लगातार 6 वर्षों के उर्वरक उत्पादन लगातार 6 वर्षों के उर्वरक उत्पादन की लाख टनों में दर्शाया गया है। इस आलेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दी। अब आपको जिस चीज का अध्ययन करना है वो मेन ये, यहां पर देखिए ये जो एक्स एक्सिस है इस पर वर्ष लिखे गए हैं 1995, 96, 97, 98, 99 और 2000, और जो ये वाई एक्सिस है वाई एक्सिस पर उत्पादन लाख टन में लिखा गया है। इसलिए 10 का मतलब 10 लाख टन, 20 का मतलब 20 लाख टन, 30 का मतलब 30 लाख टन। तो ये 10 के इंटरवल पर ये हमारे वाई एक्सिस पर उत्पादन की मात्रा यानी लाख टन में दर्शाई गई है। अब अगर हम 1995 में बात करें कि 1995 में कंपनी ने कितना उर्वरक का उत्पादन किया तो आप कह सकते हैं कि 1995 में 70 लाख टन का उत्पादन हुआ, 1996 में 80 लाख टन, 1997 में 90 लाख टन, 1998 में 80 लाख टन, 1999 में 60 लाख टन और सन 2000 में देखिए ये बीच में पोर्शन पड़ रहा है यानी 75 लाख टन। ये 75 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये इसके ऊपर हमने वैल्यू लिख दी है ताकि जल्दी से हम इसका पता कर सकते हैं। तो आप भी जब एग्जामिनेशन में हो तो इसकी वैल्यू को जल्दी से आप लिख सकते हैं ताकि आपको बार बार ये इसको चिन्हित ना करना पड़े, आपको तुरंत वो उसकी वैल्यू पता चल जाए। अब आइए इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया है पहला वो देखते हैं कि प्रथम 3 वर्षों के उर्वरकों के औसत उत्पादन तथा अंतिम 3 वर्षों के औसत उत्पादन का अंतर लाख टन में कितना था। तो प्रथम 3 वर्ष यानी 1995, 96 और 1997, ये प्रथम 3 वर्ष है, तो इनमें उत्पादन कितना था, तो 95, 96 और 97 में 70, 80 और 90 है, तो इसमें 70 लाख टन, इसमें 80 लाख टन और इसमें 90 लाख टन, इनका औसत क्या हो जाएगा एवरेज, एवरेज इसमें 3 से भाग दे देंगे तो देखिए 9, 8, 17 और 17, 7, 24 240/3 और ये आ गया 80 लाख टन इनका एवरेज आ गया। दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि जो अंतिम 3 वर्ष है यानी 98, 99 और 2000, तो 1998, 1999 और सन 2000 में उत्पादन कितना हुआ है,
निन्यानवे में देखिए, 98 से 99, 98 में 80, 99 में 60 और 2000 में 75। तो 80, 60 और 75 आपको यहाँ पर लिखना है। 80 प्लस 60 प्लस 75, और जब इसका जब आप एवरेज लेंगे तो इसमें 3 से भाग दे देंगे। तो अब ये जोड़ कर देखिए, ये हो जाएगा 7 6 13 13 और 8 21, ये 215 215/3 आ गया। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि इनका अंतर कितना है लाख टन में, तो अंतर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि 240/3 माइनस 215/3, और ये हो जाएगा 25/3, और 25/3 को 3 8 24, 8 सही 1/3 का अंतर आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो इनका अंतर ही पूछा था और अंतर हम लोगों ने यहाँ इनके औसत का अंतर निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। 1995, 1997 और 1999 के उर्वरकों के कुल उत्पादन और शेष 3 वर्षों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या था? तो यहाँ पर स्पेशल ये साल दे दिया है कि 1995, 1997 और 1999 में। देखिए 1995 में कितना उत्पादन हुआ, 1997 में कितना हुआ और 1999 में कितना हुआ। तो 1995 में 70 है, 1997 में 90 है, 1999 में 60 है। अब इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, 9 6 15 15 7 22, ये 220 हो गया। अब कह रहे हैं कि जो शेष वर्ष बच गए हैं 95 97 99 के अलावा क्या क्या बचे हैं, तो 1996 बचा है, 1996 में 80 है, 1998 बचा है, 1998 में 80 है, और सन 2000 बचा है, तो 2000 में 75 है। अब इनको आप जोड़ लीजिए, ये जोड़ने पर 235 आ गया। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी 220 संबंधे 235। अब ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 4 20, 5 4 20, और ये 5 से काटेंगे तो 5 4 20 और 5 7 35। तो आपको जो अनुपात मिला 44/47 का मिला, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, 44/47। वर्ष 1998 तथा 2000 के उर्वरकों का कुल उत्पादन वर्ष 1997 और 1999 के कुल उत्पादन का x प्रतिशत है, तो x का मान कितना होगा? तो आपको यहाँ 1998 और 2000 में कितना उत्पादन हुआ एक तरफ लिख लेना है, और 1997 और 1999 में कितना उत्पादन हुआ दूसरी तरफ लिख लेना है। 1998 में देखिए 80 लाख टन का हुआ और 2000 में 76 लाख टन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 155 लाख टन आ गया। इधर इसमें 90 लाख टन और यहाँ पर 60 लाख टन का हुआ 99 में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 लाख टन का हो गया। अब x प्रतिशत कह रहा है कि 1998-2000 के उर्वरकों का कुल उत्पादन वर्ष 97-1999 के कुल उत्पादन का काज इसके साथ जुड़ा है, तो ये वाला चीज नीचे आ जाएगा, यानी 150 नीचे रहेगा और 155 ऊपर रहेगा, और इसको परसेंटेज में बदल लेना है, और यही x की वैल्यू है। तो देखिए आप इसे 5 से काट सकते हैं, 5 3 15, 5 1 5 और 5 3 15, ये 30 हो गया, और यहां से एक जीरो काट देंगे तो ये 310/3 आ गया, और 310/3 को 103 सही 1/3 लिख सकते हैं, और ये इसे ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि वह वर्ष कौन सा है जिसमें उर्वरकों का उत्पादन सभी 6 वर्षों के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था, यानी 6 वर्षों का औसत उत्पादन निकालना है, एवरेज निकालना है,
पूरा 6 साल का, तो 6 साल की संख्याओं को जोड़ना होगा, 70 धन 80, धन 90, धन 80, धन 60 और धन 75। ये 6 साल के हैं और 6 से भाग दे देंगे तो इनका औसत आएगा, तो इनका आ गया योग 455 बटा में 6। इसको आप काट देंगे तो ये 75 बार में पूरा पूरा कट जाता है। अब ये पूछ रहा है कि वह कौन सा वर्ष है जिसमें उर्वरक का उत्पादन सभी 6 वर्षों के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था, तो ये आ गया 75। और 75 किसका उत्पादन वर्ष है, 75 देखिए सन 2000 में जो उत्पादन है वो 75 के बराबर है, यहां पर आपको दिख रहा है 2000 में जो उत्पादन हुआ है वो 6 वर्षों के औसत उत्पादन के बराबर है, तो इसमें आंसर जो आप होगा वो सन 2000 हो जाएगा। सन 2000 में जो उत्पादन हुआ वो 6 वर्षों के औसत उत्पादन के बराबर था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है वो वर्ष कौन सा था जिसमें पिछले वर्ष में उर्वरकों के उत्पादन की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। अधिकतम प्रतिशत वृद्धि का क्या मतलब हुआ, जिसमें वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है, तो हम लोग ये देखेंगे कि वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है। तो आप इसको एक बार जो ये ग्राफ है इसको आप ध्यान से देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में जो क्वेश्चन था वृद्धि ज्यादा होना, तो देखिए इस तरह की सिचुएशन 1995 और 1996 में मिलेगी। 1995 और 1996, 1995 में देखिए 70 था और 1996 में 80 है, तो एक पोजीशन तो ये मिलेगी 70 और 80 की। ये देखिए 97-98 की नहीं मिलेगी क्योंकि यहां तो घट रहा है, और दूसरी पोजीशन मिलेगी 1999 और 2000 की, 1999 और 2000 की पोजीशन मिलेगी। तो 1999 में 60 लाख टन उत्पादन था और 2000 में 75, तो ये दो सिचुएशन देखना है, एक तो 95-96 और दूसरा 99-2000। अब इन दोनों में देखना है कि वृद्धि किस में सबसे ज्यादा हुई है, तो यहां पर देखिए यहां पर जो अंतर है वो 10 का है और यहां पर अंतर है 15 का। आप देखिए 60 से 75 हुआ है तो 15 का अंतर है और यहां पर है 10 का अंतर, और अंतर किसके सापेक्ष निकलेगा, 70 के सापेक्ष यानी 1995। तो यहां प्रतिशत वृद्धि आपको क्या मिलेगी, देखिए 70 पर 10 की बढ़ोतरी हुई है तो 100 पर, तो ये हो गया 100/70 और ये 14/98 लगभग 14.7% के अराउंड वृद्धि आ गई। और यहां पर देखिए ये वृद्धि आ गई है, 15 की वृद्धि हुई है 60 पर, और 100 पर कितनी होगी, तो 15 × 60 और 25 × 100, तो यहां 25% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब कि सन 2000 वाला जो है इसमें वृद्धि का प्रतिशत ज्यादा है, तो यहां पर जो आंसर होगा ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले ग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और इस ग्राफ पर 6 से 10 तक के क्वेश्चन डिपेंड हैं। अब इसे पढ़िए कि निम्न दंड आरेख एक कंपनी की सन 2000 से 2005 तक की बिक्री का विश्लेषण करता है, यानी उस कंपनी में कितनी बिक्री हुई, आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपके सामने आरेख है और बिक्री ये 1000 रुपये में दी गई है। 1000 रुपये का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर बिक्री लिखी गई है उसकी वैल्यू 320 है, तो 320,000 यानी 3,20,000 कही जाएगी। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले काम आपका ये है कि आप तुरंत इस पर जो है वो लिख दीजिए इसकी वैल्यू को, तो ये वैल्यू है 440, ताकि आपको याद रखने में समस्या ना हो। और ये देखिए ये यहां सटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये भी 400 है, ये भी 400 है, ये 420 है और ये 320 के बराबर है और ये 340 के बराबर।
तो हम लोगों ने सबकी वैल्यू यहां लिख दिया ताकि हमको यहां समझने में दिक्कत ना हो। छ है, उसमें दिया है कि 2004 और 2002 में बिक्री का प्रतिशत क्या है। 2004 में बिक्री, 2002 में बिक्री के कितने प्रतिशत है। तो 2002 से तुलना 2004 की हो रही है, तो 2004 की बिक्री और 2002 की बिक्री यहां हम लोग लिख लेंगे। तो 2004 में 440 है और 2002 में 400 है, तो ये 400 है और 2004 में 440 है। तो 440 बटा 2 400 लिखा जाएगा और गुणे 100। अब देखिए ये कट गया और एक जीरो से एक जीरो यहां कट गया, 4 से 11 बार में कट गया, ये 110% आ गया। तो 2002 की अपेक्षा 2004 में 110% की बढ़ोतरी हुई है। अरे ये इनके आपस का जो रिलेशन है वो 110% का है। बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई है, सबसे कम कमी किस वर्ष में हुई है। तो यहां पर हम लोग सन लिख लेंगे कि कमी कहां कहां प्रदर्शित हो रही है, पिछले वर्ष से तुलना करना है। तो देखिए एक तो कमी 2000-2001 में आ रही है कि 2000 में 340 है या 2001 में 320, एक कमी यहां नजर आ रही है। और दूसरी कमी 2004 और 2005 के बीच नजर आ रही है, क्योंकि 2002 और 2003 में तो बढ़ोतरी हो रही है, 400 से 420 हो रहा है, लेकिन कमी जो है इन्हीं 2 सालों में हो रही है, 2000 से 2001 में और 2004 से 2005 में। इन्हीं के डाटा को हम लोगों को यहाँ पर कंसीडर करना है। तो 2000 और 2001 में कमी मिली है और इधर 2004 और 2005, इनके डाटा में क्या है, 2000 में 340 है, 340 की बिक्री हुई है और 2001 में 320 की, 2004 में 440 है और 2005 में 400 है। तो यहां पर देखिए कितने का अंतर हुआ है, और यहां पर कितने का अंतर हुआ है, यहां पर देखिए 40 का अंतर है। यस सर, उसमें 40 का, इसमें 20 का, इसमें 40 का अंतर है और इसमें 20 का आंसर है। अब इसी को हम लोगों को परसेंटेज में देख लेना है। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 20 का जो अंतर आया है वो 340 पर आया है, तो 100 पर कितना आएगा, ये लगभग जो है 6% के करीब आएगा। देखिए ये कट जाएगा और 17 आ जाएगा नीचे, तो 100/17 हो गया और 17 × 76 से लगभग 6% के करीब। और यहां पर जो प्रतिशत कमी मिलेगी आपको मिलेगी 40 जो है 440 पर है गुणे 100, यहां लगभग कमी आपको 9% की मिल रही है। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम कमी कहां पर हुई है, तो यहां पर 9% है, यहां पर 6% है। तो सबसे कमी जो है, मिनिमम कमी, न्यूनतम कमी कब देखी गई है, तो न्यूनतम कमी 2001 में देखी जाएगी, क्योंकि 2005 में जो है 9% की कमी आई है, तो यहां पर कमी ज्यादा है। और इसमें पूछ रहा है न्यूनतम कमी, तो न्यूनतम कमी सन 2001 में मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है। तो यहां पर 2003 और यहां 2001 लिख लेंगे, तो 2001 में कितनी बिक्री हुई है और 2003 में कितनी बिक्री हुई है, यही हम लोगों को यहां देखना था। तो 2001 में 320 बिक्री है और 2003 में 420 है। तो इसके पूछ रहा है ना कि 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है, कितनी अधिक। तो यहां से घटा देंगे
घटाने पर क्या आएगा? देखिए 100 आएगा, 100 आएगा, और ये जो वैल्यू दिया है वो 1000 में दिया है, तो इसमें 1000 का गुणा कर दिए तो ये कितना हो गया? 1 लाख हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाख। तो बिक्री में जो है 1 लाख का अंतर है 2001 और 2003 की बिक्री में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2001 में बिक्री 2002 की बिक्री की कितनी गुना है? 2001 में जो बिक्री हुई 2002 की बिक्री की कितनी गुना है, यानी 2002 से तुलना की जा रही है। तो 2001 में और 2002 में, तो 2001 में जो बिक्री है वो 320 है और 2002 में जो बिक्री है वो 400 है। अब इसके सापेक्ष पूछ रहा है तो 320 400 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा और 8 से 8 चौके 32 और 8 पच्चीस 40, 4/5 हो जाएगा और 4 में 5 से भाग देंगे तो 10.8 आ गया। तो ये 10.8 गुना है 2000 की अपेक्षा 2001 में जो बिक्री हुई है वो 10.8 गुना है। सर सर ये जो 320 बटा 400 की है सर, ये मतलब कैसे समझ पाते हैं कौन सा ऊपर रहेगा, बस ये एक बार और बता दीजिए। देखो जिससे तुलना की जाएगी, जिससे भी कहीं भी, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा हर में। तो यहाँ पर 2001 में बिक्री 2002 की बिक्री की कितनी गुना है, तो 2002 से तुलना की जा रही, ये जो की शब्द है 2002 की बिक्री की कितने गुना है, तो 2002 से तुलना 2001 की आंकड़े की जा रही है। तो जिससे तुलना की जा रहेगी उसको नीचे रखना पड़ता है हर में। तो 400 नीचे है और 320, अब इसी को प्रतिशत में कहता तो यहां 100 से गुणा कर देते, ये प्रतिशत में बदल जाता, ठीक है? यस सर। हाँ, जिससे जिससे तुलना होती है वो हर में रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है नीचे। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये कैसे आप जान सकते हैं? जो वृद्धि हुई है वो न्यूनतम हो, तो यहां पर वृद्धि वाला पोर्शन आपको देखना है। तो वृद्धि वाला पोर्शन देखिए, ये 2 साल हैं, यानी 2002 से 2003 में वृद्धि हुई है, और ये 2 साल हैं 2001 से 2002 में। तो वृद्धि सबसे न्यूनतम किसमें मिलेगी? यहाँ 400 और 420 का अंतर है, यहाँ इन दोनों के बीच में 20 का अंतर आ गया, और यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है 2001 से 2002 में, यहाँ पर 80 का अंतर है। तो सबसे मिनिमम वृद्धि कहाँ हुई है, वृद्धि कहाँ कहाँ देखी जा रही है? वृद्धि 3 जगह आपको देखने को मिलेगी। एक देखिए वृद्धि इनके बीच है, यानी 420 और 440 के बीच, तो यहां पर वृद्धि कितने की मिली, 20 की, और 400 से 420 यहां भी 20 की वृद्धि है। तो प्रतिशत वृद्धि अगर देखेंगे तो 2004 वाला आ जाएगा। तो आपको वृद्धि किन किन सालों में मिली है? वृद्धि 2002 में, 2003 में और 2004 में। तो 2002, 2003, 2004, तो 2002 में सबसे ज्यादा वृद्धि है 80 की, 2003 में 20 की है और 2004 में भी 20 की है। तो यहां पर जो आंसर है इसमें से पूछ रहा है कि न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुई है, तो न्यूनतम वृद्धि किसमें आप दिखाएंगे? 2002 में तो अधिकतम वृद्धि है, तो 2004 इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि जब निकालेंगे तो 2004 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां 420 में 20 का वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हुई है 420 में, तो 100 में कितना होगा, ये 2004 की बात कर रहे हैं। और देखिए यहां भी वृद्धि 2003 और 2002 में है,
तो यहाँ वृद्धि कैसी निकलेगी 2003 2000 वाला, यहाँ भी 20 की वृद्धि हुई है लेकिन यहाँ 400 पर हुई है। देखिए 20 दूनी 40 और 20 25 100, यहाँ पर 5 आ गया। और यहाँ पर देखिए ये 21 दूनी 42 और 100 बटा 21 आएगा, तो ये 4 दशमलव समथिंग आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पूछ रहा है मिनिमम वृद्धि कहाँ हुई है, तो मिनिमम वृद्धि 2004 में हुई है, क्योंकि 2003 में वृद्धि 5 की आ रही है और 2004 में वृद्धि जो है वो 4-5 से कम आ रही है। तो यही आंसर यहाँ पर हम लोगों को लगाना था कि 2004 में जो वृद्धि है वो न्यूनतम वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, नीचे दिए गए बार ग्राफ में अलग अलग देशों की प्रति एकड़ उपज किलोग्राम में दर्शाई गई है। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए भारत का उत्पादन उपज दिखाया गया है यहाँ किलोग्राम में, 20 किलो 40 किलो, ये जो डाटा है वो केजी में है। और यहाँ पर देश के नाम लिखे हुए हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो सबसे कम उत्पादन जो है 80 किलोग्राम की है यहाँ पर, किसी एक फसल की उपज यहाँ पर दर्शाई गई है। नेपाल में 120 है, श्रीलंका में 132, बांग्लादेश में 120, पाकिस्तान में 160 और भारत में 200। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है कि दिए गए देशों की औसत उपज क्या है। तो औसत उपज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी देशों की जो उपज है वो सबको जोड़ लेना पड़ेगा। तो 80 धन 120 धन 132 धन 120 धन 160 धन 200, और ये कितने देश हैं, तो देखिए ये कुल मिला के 6 देश हैं, तो 6 से भाग दिया जाएगा, तो इनको जोड़ने पर कितना आ गया, जोड़ने पर 812 आ जाएगा, 812 बटा 6, और 812 में 6 से भाग देंगे, ये आप 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 छके 12 और 2 तिहाई 6, तो 406 बटा 3 आ गया। और 406 बटा 3 को 135 सही 1 बटा 3 केजी लिख सकते हैं, तो ये इनका एवरेज आ गया 135 सही 1 बटा 3 केजी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि भारत की प्रति एकड़ उपज और पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भारत की तुलना किससे हो रही है, पाकिस्तान की, पाकिस्तान से। तो यहाँ पर भारत की प्रति एकड़ उपज और यहाँ पाकिस्तान है इसकी प्रति एकड़, तो भारत की प्रति एकड़ उपज 200 है और पाकिस्तान की 60 है, तो पाकिस्तान से 40 अधिक है भारत की, तो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 40 बटा 160 गुणे 100, जिससे तुलना होगी देखिए उसकी वैल्यू नीचे रहेगी, तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100, तो ये आ गया 25%। तो भारत से जो है, अरे पाकिस्तान की अपेक्षा भारत की जो उपज है प्रति एकड़ वो 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि सभी देशों की मिलाकर कुल उपज में से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत लगभग है। तो सभी देशों की कुल उपज कितनी आई थी, सभी देशों की कुल उपज आ गई थी 812। अब श्रीलंका की तुलना इससे करनी है, तो श्रीलंका की उपज है 132, तो 132 812 का कितना प्रतिशत है, तो 132 812 में कितना प्रतिशत है ये निकालना है, तो ये हम लोगों ने गुणा कर दिया। अब देखिए ये 2 है, ये 32 है, ये 12 है, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दुनी 8 और 4 तिहाई 12, तो ऊपर जो है 3300 बटे 203 आ गया। अब ये अब 3 3 6 और 2 3 5 ये कटेगा नहीं, अब तो ये नियर अबाउट जो है
भाग देने पर 16.2% के करीब आएगा, तो 16.2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया है कि यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले तीन देशों की कुल उपज और अंतिम तीन देशों की कुल उपज में क्या अंतर है। तो इसे आरोही क्रम में अगर लिख दिया जाए, आरोही माने बढ़ते हुए क्रम में, तो 80 है, 120, 120, 132 है यहाँ, 160 और 200। तो यहाँ पूछ रहा है कि शुरू के तीन का योग लास्ट के तीन के योग में कितना अंतर है। तो शुरू के तीन का योग जोड़ेंगे तो ये आ गया 320, और लास्ट के तीन जोड़ रहे हैं तो ये आ गया 492, और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी 492 में से 320 माइनस कर दीजिए, ये 2 आएगा और 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 3 गए, तो 172 केजी का अंतर है और ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो आज हम लोगों ने कुल 14 क्वेश्चन बार डायग्राम पर बेस्ड किए, और ये पहली कैटेगरी के बार डायग्राम के क्वेश्चन थे। कल हम लोग इसके दूसरी और तीसरी कैटेगरी वाले क्वेश्चन करेंगे, और परसों पाई डायग्राम पर क्वेश्चन करने के बाद टेबल एंड ग्राफ के सारे टाइप के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। अब आपको केवल प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी, और आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी हो गई और डाटा को बहुत सावधानी से आपने देखना शुरू कर दिया तो आप ये 20 क्वेश्चन टेबल एंड ग्राफ पर जो पूछे जा रहे हैं उसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते। इसमें प्रतिशत का, एवरेज का और रेशियो का, इन्हीं तीन चीजों का इस्तेमाल होता है। अगर ये तीन चीजों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, तब आपको ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। तो आज सभी ने इस क्लास में पार्टिसिपेट किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।